राहुल का प्रश्न है, व्हाट आर दीज पावर्स सर? मैंने शक्तियों की बात करी थी अभी कि जब हम इस मोमेंट में हो जाते हैं तो हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है, हमें शक्तियों का जो है पता चलता है। ये शक्तियां ऐसा नहीं है कि जिसको हम इस तरह से समझें कि कोई अकल्ट पावर्स हमारे पास आ जाती हैं, ये कुछ इस तरह की शक्तियां नहीं है। ये शक्तियां सिर्फ ये हैं, ये आपके होने की शक्तियां हैं, ये आपके आपका होना अपने आप में इतना पावरफुल है जिसको हम कभी जी नहीं पाते, जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। योग बोलता है कि बीइंग ह्यूमन इज सुपर, कि आपका होना, अगर आप अपने होने को जो है जीना शुरू करें तो उसको रियलाइज करेंगे कि वो कितना पावरफुल है, क्योंकि यही शरीर, यही मन, इस शरीर में होने के कारण जो है हमारे पास एक ऐसी स्थिति बनती है कि हम खुद जो है उस प्रभु को जी सकते हैं, उस प्रभु को जान सकते हैं और प्रभु हो सकते हैं। और ये संभावना सिर्फ और सिर्फ जो है एक आदमी की संभावना है। तो फिर जब तुम पूछते हो कि व्हाट आर दीज पावर्स, ये शक्तियां जो हैं उन चीजों की एक रियलाइजेशन है जो हमें होना शुरू होती है, एक एहसास जो हमें अपने भीतर होना शुरू होता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी पोटेंशियल क्या है, कि फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाता जीवन में। कि सबसे बड़ी शक्ति तो ये घटती है, सबसे बड़ी शक्ति ये दिखती है कि मैं जो होना चाहता हूं मैं वो हो सकता हूं, मैं अपने जीवन को जैसा बनाना चाहता हूं वैसा बना सकता हूं, जो मैनिफेस्ट करना चाहता हूं उसको मैनिफेस्ट कर सकता हूं। ये प्रभु के होने से कम है क्या? तो ये जो शक्तियां हैं, इस चीज का जो रियलाइजेशन है, ये सब कुछ जो है इस मूवमेंट में जो है घटना शुरू होता है। जितना हम, जिसको मैंने कहीं ना कहीं जोड़ा था, जितना हम काम और रिलैक्स वे से जो है चीजों को डील करते हैं, हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। तो ये शक्तियां वो नहीं है कि आप किसी और के ऊपर जो है इस शक्ति को आजमाएंगे, ये शक्तियां वो हैं कि अपनी लाइफ को एक एक ताकत के साथ, एक अपनी एक पावर के साथ जो है महसूस करना, एक ऐसी पावर जो आपको अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल देती है, आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल देती है। और अगर आपका शरीर और मन जो है आप जो है उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसको जो है उसको डाइवर्ट कर पाते हैं जहां पे आप उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, जहां जो उसको डायरेक्शन देना चाहते हैं वो डायरेक्शन दे पाते हैं, तो उससे सुंदर घटना और क्या हो सकती है? इससे बड़ी शक्ति और क्या चाहिए आपको? वो शक्ति तो एक्सप्लॉयटेशन है अगर हम किसी और को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करें। योग हमें जो है ये पावर हमारे अंदर जो है वो क्रिएट करता है, वो देता है हमें, कि हम अपनी लाइफ के खुद रचयिता हो जाए, कि हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकें जिस तरह से हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो जब तुम पूछते हो व्हाट आर दीज पावर, दीज पावर्स आर इनसाइड ऑफ यू, जिसको हम रियलाइज करते हैं, जो कि सदा से है ही। ऐसा नहीं है कि वो शक्तियां जो हैं तुम्हें बाद में मिलती हैं, वो शक्तियां तुम्हारे अंदर ऑलरेडी हैं, उसका बस रियलाइजेशन होता है, और उसको बस जो है उस फैकल्टी को जो है हम रियलाइज करते हैं, उसको हम जीना शुरू करते हैं। सो ये इन शक्तियों को जो है पहचानना जो है उस अध्यात्म के रास्ते के ऊपर जो है चलना है।